I'm your friend, your host, Badal Bhandari, and I welcome you in your favorite YouTube channel that is Dogs, Your Friends Forever. Dear friends, मैं पिछले 25 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूँ और मैं बिहेवियरिस्ट हूँ. आज मेरे साथ में बहुत सारे छोटे छोटे दोस्त हैं और ये सारे के सारे हैं डॉगो अर्जेंटिनो. इंपॉर्टेंट ये है और इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि हमने पैब्लो का एक पर्सनल चैनल स्टार्ट किया है, पैब्लो द हस्की. आप आइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए. उसमें हम बहुत सारे वीडियोस डालते हैं पैब्लो के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कि हम उसकी लाइफ को कैसे चला रहे हैं और कैसे क्या कुछ करता है पूरे दिन में. इनके साथ इनके लेवल पे आ जाता हूं और ये अगर आप देखेंगे ना, इस समय फुल मस्ती मोड में है. कोई घास उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, माली बनने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ और करने की कोशिश कर रहा है. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और मोस्ट पावरफुल ब्रीड्स में से एक है डॉगो अर्जेंटिनोस. इनका अगर मैं लाइफ स्पैन बताऊं तो ये तकरीबन 12 से 15 साल तक इनकी लंबी लाइफ रहती है. बहुत एक्टिव, एथलेटिक, हाई एनर्जी डॉग्स होते हैं. ऑनर के साथ बहुत अच्छे हैं. इनको शुरू से सोशलाइज रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हाई एनर्जी है तो इनकी एनर्जी को भी यूटिलाइज करवाना बहुत ज़रूरी है. अगर हम सोचेंगे कि हमने डॉग अर्जेंटिनो रख लिया और वो कभी घूम रहा है, कभी हम उसकी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, कभी नहीं करवा रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी. खास करके उन फैमिलीज़ के लिए डॉग अर्जेंटिनो नहीं है बिल्कुल भी, जिनके पास में टाइम नहीं है डॉग के साथ स्पेंड करने का, बिकॉज इनको एक्सरसाइज करवानी है. एंड जो ऑनर है घर का, जो हेड है घर का, वो पेट लवर भी होना चाहिए और उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए डॉग के बारे में कि डॉग को हैंडल कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना. बिकॉज अगर आप इनके साथ में शुरू से ज़्यादा लीनियंट हो गए तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था जो डॉगो अर्जेंटिनो ब्रीड है ये उन दोस्तों के लिए है जिनको डॉग रखने का एक्सपीरियंस है. ये उन दोस्तों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा जो डॉग है वो गार्ड डॉग हो, अच्छा वॉच डॉग हो. और डेफिनेटली ये फैमिली डॉग है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है. फैमिली मेम्बर जो हैं, अगर वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, उन सब के साथ बहुत अच्छे हैं. उसका मतलब बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं का मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ ये बहुत फ्रेंडली हैं और अगर पड़ोसियों के बच्चे आएंगे तो उनको भी ये वही सब कुछ करने देंगे जो हमारे बच्चों को ये करने देते हैं, जैसे कान खींचना, पूंछ पकड़ना, उनके ऊपर बैठ जाना, लाड करना, कुछ भी शरारते करना. वो डिपेंड करेगा आपने शुरू से उनको कैसे सोशलाइज कराया और शुरू से आपने किन लोगों के साथ उन्हें इंट्रोड्यूस किया. हाई एनर्जी डॉग होने के अलावा इनका अगर मैं बॉडी वेट की बात करूं तो जो बॉडी वेट है मेल डॉग का वो अराउंड 42 से 48, 50 केजी तक जाता है और जो फीमेल है उसका 35 से 40 केजी तक जाता है. एथलेटिक ब्रीड है, मस्कुलर डॉग होते हैं, बड़े ज़्यादा फैट नहीं होता, मस्कुलर, हैवी, स्ट्रॉन्ग नेक होती है. स्ट्रॉन्ग नेक होने का रीज़न है, ये देखो सारे के सारे ना माइक की तार को च्यू करने की कोशिश करें. स्ट्रॉन्ग नेक होने का मतलब है ये बेसिकली ये जो ब्रीड है ये बनाई गई थी शिकार करने के लिए, जंगली सुअर का शिकार करने के लिए. बेसिकली ये अर्जेंटीना की ब्रीड है और इनको स्पेशली इसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया था कि अगर ये शिकार करते हैं, अगर पिग का शिकार करते हैं तो उसके लिए इनकी नेक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, फेस जॉ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. कितना स्ट्रांग होता है आप यहाँ से हिसाब लीजिए, पर स्क्वायर इंच पे अगर ये बाइट करते हैं, अगर ये हाथ पे बाइट करते हैं पर स्क्वायर इंच पे 500 पाउंड का वेट डालते हैं. तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है कि अगर इन्होंने बाइट करने की कोशिश की तो मुमकिन है कि हड्डी को बिल्कुल चूर पूर कर देंगे. उसके अलावा अगर मैं बात करूं, दे आर फाइनेस्ट कंपेनियन, बहुत ही अच्छे हैं. उसी के ऑपोजिट बोल रहा हूँ, भी आप सोचोगे भैया बोल रहे थे अग्रेसिव है. ऑफकोर्स अग्रेसिव उनके लिए जो गार्ड के तौर पे बनाना चाहते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, जो हैंडल करना जानते हैं कि डॉग को कैसे हैंडल करना. आप अगर देखेंगे तो ये प्योर वाइट में है डॉग अर्जेंटिनो. इनके स्किन में कई बारी ब्लैक छोटे छोटे पिगमेंट आ जाते हैं, कई बारी ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं. इस बच्चे की मैं बात करूं तो इसके ईयर में हल्का सा वाइट स्पॉट है, इसकी टेल पे वाइट स्पॉट बोल रहा हूँ, ब्लैक छोटी सी बिंदी है टेल के ऊपर. वाइट के साथ में ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लग रहा है. अगर किसी और बच्चे को उठाएंगे कहाँ जाएंगे, ये देखिए. अगर मैं इस बच्चे की बात करूँ तो इसका जो एक पैच है वो ब्लैकिश है, राइट. इसके अलावा एक और बच्चा है, ये मेरे पास में एक जनाब ये बैठे हैं, इसकी मैं बात करूँ तो इसके साथ में एक ज़रा सा ब्लैक है तो, और टेल के साथ में मोस्टली यहाँ पे पिगमेंटेशन आना, ये जो ब्लैक स्पॉट आना वो नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ है, डॉग अर्जेंटिनो में ये होता है. ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बेबीज़ हैं मेरे पास में. फ़र्स्ट वैक्सीनेशन हमने कर दी हुई है इनकी, और फर्स्ट वैक्सीनेशन करने के अलावा इनकी डिवॉर्मिंग भी कर दिया है. ये रेडी है नए घर जाने के लिए. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से कोई भी एक बेबी लेके आने के लिए अपने घर में तो डेफ़िनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं. फ्रेंड्स, जो मैंने ये डॉगो अर्जेंटिनो बेबीज़ के साथ में वीडियो बनाया है, आई होप ये आपको पसंद आया होगा.
अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सो दैट आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच।